एक मरतबा एक बंदर या बच्चा देने का वक्त है, उसे तकलीफ हो रही, सब बंदरिया जमा हो गई, इशारा किया बंदर आया, वो कहीं से पत्ता और पत्ता ला करके उस बंदरिया के पेट पर फेरा, बच्चों चिंता हजरत इंसान से आगे जिंदगी गुजारने की अकल अल्लाह ताला ने दूसरे जानवरों को, जानवर भी समझते हैं, तो दिखने वाले मखलूक को सबको नजर आया, दिखने न दिखने वाला निकाह उसमें पाप जिन्नात है, तो इंसान खता एक जिन्नात का बच्चा किसी को नजर आ जाए बैठ जाता है। जिन्नातों से आगे अल्लाह ताला ने फरिश्तों की दुनिया बनाई है और फरिश्तों की दुनिया बड़ी ताकत, इतनी ताकतवर मखलूक है कि पूरी दुनिया का निजाम फरिश्ते के तमाचे से नहीं, फरिश्ते के फूंक से गुजरा। इस्राफील अलैहिस्सलाम को मारेंगे आसमान जमीन का इलाज हो जाएगा, जिसकी फूंक में इतनी ताकत हो तो उसके माखलूक में कितनी ताकत हो। कभी कभी अल्लाह जाहिर फरमाते हैं लूत अलैहिस्सलाम की कौम में एक बुरी आदत कि लड़के लड़कों से गलत काम करते थे, ये बीमारी थी, कोई बीमारी किसी में घुस जाए तो वो करती नहीं, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। और गुनाह क्या है? गुनाह ये है कि अपने नस्लों को बर्बाद करने का एक तरीका है, छोटा गुनाह कि जहन्नम में जाने का छोटी पगडंडी, और बड़ा गुनाह जहन्नम में जाने का बड़ा हाईवे, हर गुनाह जहन्नम तक ले जाने का रास्ता, और गुनाह की आग है, कोई आदमी गुनाह करता है तो बेचैनी शुरू हो जाती है, और नेकी करता है तो आदमी के दिल में तबीयत में चैन और सुकून आता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जब बहुत आगे निकल गई तो अल्लाह ताला ने दो चार फरिश्तों को जमीन उल्टा करने के लिए झोपड़ों की शक्ल में भेजा। फरिश्ते आए छोटे छोटे बच्चों की शक्ल में, पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आए, वहां खाना खाया, वहां रहे, हजरत इब्राहिम ने उनकी मेहमान नवाजी की, फिर उसके बाद कहा कि हमें जाना है लूत की कौम के लिए, उस कौम ने बड़ी बदमाशी की है, अब उस कौम को तबाह करना है। जब ये आए तो लूत अलैहिस्सलाम के पास आए तो खूबसूरत बच्चे थे, लूत अलैहिस्सलाम कहा है मेरी बस्ती वालों को पता चलेगा कि मेरे मेहमान आए हैं, इनका हमेशा ये लोग करेंगे और मैं शर्मिंदा होता, कहीं इनको गलत तरीके से छेड़े हैं। चुनाचे गांव वालों को पता चला कि खूबसूरत लड़के आए हैं और पूरा गांव टूट पड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कहा काश मेरे पास तो मजबूत दिला होता या मेरा खानदान मजबूत होता तो इनका दिफा करता। पता चला किसी को अगर मजबूत खानदान मिला ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। लूत अलैहिस्सलाम घबराए तो टूट पड़ रही है पूरी की पूरी कौम, तो लूत अलैहिस्सलाम को एक फरिश्ते ने कान में कहा घबराओ मत, इनका सब सही हो जाएगा, हम छोकरे नहीं हैं, हम तो फरिश्ते हैं और देख लेना क्या होता है। जब वो जमा हो गए, भीड़ हो गई लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे इन मेहमानों को छूने के लिए, उसने एक फरिश्ते ने यूं किया, यूं किया सब डरो, सिर्फ इशारा किया था। अल्लाह ताला कभी कभी फरिश्तों की ताकत बताते हैं, उलमा फरमाते हैं जिन्नात को भी अल्लाह ने ये ताकत दी है कि किसी शक्ल में आ जाए, बिल्ली की शक्ल अपना ले, इंसान की शक्ल अपना ले, फरिश्तों को भी अल्लाह ने ताकत दी है, लेकिन जिन्नात जिस मखलूक की शक्ल में आएगा उसी मखलूक की ताकत होगी, बिल्ली की शक्ल में तो बिल्ली की ताकत, शेर की शक्ल में तो शेर की ताकत, फरिश्ता किसी भी शक्ल में आए लेकिन उसमें वही ताकत बाकी रहेगी जो ताकत अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर उसने पैदा की है। आप अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया मुझे इजाजत दी गई कि हर सो उठाने वाले किसी फरिश्ते के बारे में बताओ कैसे मखलूक है, आपने फरमाया वो फरिश्ते कितने ताकतवर है कि
कि इनके काम की लौ से लेकर कामगे तक 700 साल का फासला है, क्योंकि इसमें इतना फासला तो फरिश्ता कितना बड़ा होगा। वो सारे के सारे फरिश्ते इंसानों के लिए है, सही काम करोगे आपके सपोर्ट में, गलती करोगे तुम्हारी कामगे की जाएगी। ये निदान जब समझ लेता है आदमी तो फूक फूक कर कदम रखता है और सोच समझ कर आदमी चलता है, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। तो मैं ये कह रहा था कि मखलूकात में सबसे ज्यादा कमजोर हजरत इंसान है, फिर उसके बाद जिन्नातों की दुनिया है। हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर दुआएं पढ़ोगे गैबी निजाम तुम्हारे साथ हो जाएगा। एक मरतबा एक इज्तिमा में हमने खुद सुना, हजरत ने फरमाया कि उमर कमजोर है लेकिन उमर के साथ गैबी निजाम मजबूत। क्यों? वो दुआ पढ़ी है, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। फरमाया जो भी पढ़ेगा 70,000 फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह लगा देते। उमर कमजोर है लेकिन उमर के साथ गैबी निजाम मजबूत है। बात तो वो है जो अपने बच्चे के लिए ये चीजें सोचे, लो बेटा ये याद कर लो, बेटा ये याद कर लो ना, मैंने मेरे बच्चे के लिए मजबूत दीवार बना दी है, बच्चे महफूज रहेंगे। दीवारें बनाने से बच्चे महफूज नहीं रहा करते, बच्चों को महफूज रखने के लिए इनको दुआएं सिखा दिया करें। इनको दुआएं सिखा दो, बेटा जब तुम घर से निकलो पढ़ो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इंशाअल्लाह इस बच्चे को कुछ नहीं होगा और फरिश्ते उसकी हिफाजत के लिए आ जाए। एक साहब सुना रहे थे कि एक बच्चा घर से निकला, रास्ते में गुंडों ने पकड़ लिया, मदरसे में भेजा था, मकतब का बच्चा था। अब उन्होंने देखा कि बच्चा शिकार हाथ में आया, गाड़ी में ले लिया उसे, लेकिन माँ ने जब रवाना किया था बेटा पढ़ बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, हदीस में आता है जब ये आदमी दुआ पढ़ लेता है तो जो शैतान उसके पीछे लगना चाहता था वो बेबस हो जाता है, उसके हाथ पांव बांध लिए जाते हैं और वो तिल मिलाता है मेरा काबू नहीं चल रहा। दूसरा शैतान कहता है क्यों रोता है कि मेरा बस इस पर नहीं हो रहा, मेरा हाथ पांव किसी ने बांध दिया है। फरमाया इसने वो दुआ पढ़ी है जिसके नतीजे में तेरा बस नहीं चल सकता, अब किसी और को पकड़, ये तेरा शिकार नहीं हो सकता, उसे बचा लिया गया। अब वो बच्चे को लेकर जब गाड़ी में बिठाया, थोड़ी देर एक दो कदम गाड़ी चली, गाड़ी वही लॉक हो गई, गाड़ी चले ही नहीं। अब गाड़ी चले ही नहीं तो फिर वो लोग नीचे उतरे सही करने के लिए, अचानक ये बच्चा समझदार था, भाग करके घर आया, कहा अम्मी मेरे साथ तो ये वाकया पेश आया। उसकी माँ ने अपनी छाती से लगा करके कहा बेटा तुझे क्या हो सकता था, मैंने तो तुझे दुआ पढ़ के रवाना फरमाया था बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हजरत मौलाना इलियास साहब भटकली फरमाते हैं एक मरतबा दुआओं की ताकत जबरदस्त है। जो समझदार है वो तो फजर के बाद थोड़ी देर बैठ कर मामूलात पढ़े जी, मगरिब के बाद वक्त निकालो पढ़ो। क्यों? इसलिए कि चारों तरफ से तीर लग रहे हैं शैतानों के। हुजूर ने फरमाया किसी को दुश्मन मत समझो, असल तुम्हारा दुश्मन शैतान है, वही तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे खिलाफ करता है, वही तुम्हारे भाई को तुम्हारा दुश्मन बनाता है, वही तुम्हारे हुकूमत चलाने वालों को दुश्मन बनाता है। फरमाया उसी को बुरा भला कहो, उसी का उससे बचने का इंतजाम करो तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। माँ इलियास साहब भटकली फरमाते हैं हम लोग एक जगह जा रहे थे तो ट्रेन का सफर था, तो हमने कहा नजदीक जाना है, कहा मगर रिजर्वेशन के पैसे ले, रिजर्वेशन के पैसे दिए गए, जनरल डिब्बे में बैठ गए, जनरल डिब्बे में लोकल डिब्बे में बैठ गए हम। थोड़ी देर के बाद एक टीसी आया और उसने कहा मौलाना जी तुम यहां बैठे हो मेरे डिब्बे में आ जाओ। ना ना तुम्हारे डिब्बों में आएंगे तो तुम रिजर्वेशन के पैसे लोगे, हमें यहाँ बराबर। उसने कहा आ जाओ मौलाना साहब नहीं लेंगे पैसे, वो नहीं गए। थोड़ी देर के बाद किसी आया और जबरदस्ती लेकर इनको अपने डिब्बे में बिठाया, हो गया वाकया, ट्रेन रवाना हो गई, ट्रेन चलती। थोड़ी देर के बाद धमाका हुआ, आवाज आई, रात का वक्त था, लाइटें बंद हो गई, लोग परेशान क्या वाकया पेश आया। बाहर जाकर के देखा तो पूरी ट्रेन में लाइटें बंद और एक बहुत बड़ा ऊपर से पहाड़ पत्थर आकर के गिरा था एक डिब्बे पर और उसमें से लाशें बाहर आ गई और वही डिब्बा था जिसमें ये मौलाना लोग पहले बैठे थे। मौलाना फरमाते हैं हम
हमने जब दुआएं पढ़ी और उस डिब्बे का ये हादसा होना बदला के वहां तय था, तो अल्लाह ताला ने मुंतखब करके इनको अलग किया किसी के जरिए से और किसी के दिल में डाला मेरे ही बंदों को। वो तो अल्लाह बोलता तो नहीं है, चुपके चुपके सब सब निजाम हरकत कराता है, चुपके चुपके निजाम हरकत कराता है। दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने उस डिब्बे की हिफाजत का इंतजाम किया जी। एक काफिला है मैंने कहा ना कि अपने बच्चों को भी दुआएं सिखानी चाहिए, जो मकतब को मामूली मत समझो, मकतब की तालीम को मामूली मत समझो। एक जगह माँ बाप अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, कब्र की रोशनी का जरिया यही मकतब की तालीम, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमको जन्नत में ले जाएंगे, हाफिज बन रहे हैं और वो बच्चा जन्नत में नहीं जाएगा हमें भी मिले। शेखुल हदीस वाला हिंदुस्तान कंपनी फरमाते थे अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हो इंजीनियर बनाते हो पहले हाफिज बनाओ, जब सब बन सकता है हाफिज क्यों नहीं बनेगा। अल्लाह पाक ने कुरान को तो आसान कर दिया है और जो जो तैयारी करी पा रही है कुरान को अल्लाह पाक और आसान कर रहे हैं। कमजोर उम्मत है ना, एक महीने में हिज्र कर रहा है बच्चा, 20 दिन में हिज्र कर रहा है, फलस्तीन में इतने कड़वे हालात में 40-40 दिनों में चारों तरफ से गोलाबारी हो रही है, लेकिन मुसलमान बच्चे और बच्चियां कुरान को हिज्र कर रहे हैं। हमारे हजरत फारूक साहब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खली में बताया था, बांग्लादेश में एक जगह में बात कर रहा था, एक साहब ने कहा मेरे 23 बच्चे बच्चियां हैं सबके स्वभाव में। एक जगह माँ बाप बच्चों को लेकर जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, माँ को बहुत लगा, माँ को बहुत लगा, मरने का वक्त करीब आया। अब ये मासूम बच्चा जो मकतब में अफजल कमाई वगैरह कर रहा है, उसने देखा मेरे अब्बू अम्मी दुनिया से जा रहे हैं, वो बच्चा अपने अब्बू के पास आया, अब्बू एक मरतबा कलमा पढ़ लो, हमारे उस्ताद ने कहा है कि अगर कोई मरते मरते कलमा पढ़ ले वो जन्नत में जाता है। उसके अब्बा ने मरते मरते कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बच्चा खुश हो गया मेरे अब्बू सीधे जन्नत के बागों में जाए थे। फिर वो बच्चा अपने कमजोर बदन को लेकर अपनी अम्मी के पास आया, अम्मी जी एक मरतबा कलमा पढ़ लो, तुम कलमा पढ़ोगे जन्नत के बागों में जाओगे। उसकी माँ ने कलमा पढ़ा, बच्चा खुश जैसे उसको ईद मिल गई। ये है मकतब की तालीम का नतीजा जी। हम छोटे छोटे थे, हमारे वालिस्ता कबाब हो गए, एक दुआ लाया अल्लाहुम्मा तवक्कलनी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अना अव्वलुल करीम। एक वाक्या है, एक सहाबी किसी ने कहा मस्जिद में गए थे हमारे घर को आग लग गई, बिना जाओ नहीं लगे। दूसरे साहब आए कहा आपके घर को आग लग गई, जाओ जाओ मेरे घर को नहीं लगेगी। तीसरे साहब आए हाँ ये तो बताओ क्या अमल था, आग आपके घर तक आई और बुझ गई। अभी साहबी ने फरमाया तुमने कैसे यकीन से कहा कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो फजर को ये दुआ पढ़ लेता है शाम तक हादसे से अल्लाह उसकी हिफाजत करते हैं। अब तक याद है जो कागज लाए हमें हमारे भाई ने अशरफ छो पहले याद करेगा उसको हम 10 पैसे इनाम देंगे। में तो पैसे भी बड़े कीमती होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने याद कर लिया, अब तक वो दुआ चलती है अल्लाह वाली साहब की कब्र को लोग समझ लें। ये है चीजें, अपने बच्चों को ये चीजें दो ताकि वो बच्चे पढ़े और उसके नतीजे में अल्लाह पाक इनकी हादसा वगैरह से हिफाजत फरमाए और ये बच्चों को काम आने वाली चीजें। वजह अफसलियान एक काफिला आया, अब यहां कुएं में डाल दिया, बाइक समझ रहे हैं काम बन गया है। वह मकर वह मकर अल्लाह, एक तरफ अल्लाह देख रहा है और कुरान पाक की एक आयत वो अम्मा मा यफ़अलुन्ना फयम फिल अर्ज, नफा देने वाली चीज जमीन में रहते हैं बल्कि नफा देने वाली नहीं होती वो झाग बन करके उड़ जाती। अगर जिंदगी में बका चाहते हैं लोगों को नफा दो, लोगों को नफा पहुंचाओगे, नफा देने वाला पानी अल्लाह उसको जमीन में ठहराते हैं और जो झाग होगी उसको उड़ा देते हैं। अगर तुम चाहते हो कि बका रहे
तो लोगों को नफा पहुंचाओ, उसके जरिए से हम और हमारी नस्लों को अल्लाह बाकी रखेंगे। नाम बाकी रखना ये भी अल्लाह की दुआ, वो जो आई निशान मस्जिद में बिना पड़ी। एक नबी ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मेरा नामो निशान बाकी रखना, मेरे मरने के बाद भी लोग याद किया करें। ये भी एक किस्म की हयात है, ये भी एक किस्म की हयात है। डाल दिया गया था, भाई समझे थे यूसुफ भाई चले गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बचाने के लिए काफिला को अपने शाम से मिस्र जा रहा था, बिल्कुल हाईवे पर चल रहा था, भटके ऐसा मामला नहीं था, लेकिन क्या हुआ, भटक गए। भटके नहीं, अल्लाह ने भटकाया। और प्यास लगी, जब प्यास लगी तो कहा कहीं से पानी तलाश करो, उस वही कुआं सामने आया। ये है अल्लाह की कुदरत, सही रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन यूसुफ को पता देने के लिए अल्लाह ताला ने उस सही चलने वाले काफिले को भी भटका दिया। अल्लाह अपने नेक बंदे के खातिर निजाम को खल पाथर कर देते, एक नेक बंदे की जरूरत पूरी करने के खातिर। एक नेक बंदा जंगल में फंसा है और कुछ लोग वहां से जा रहे हैं, तो इनको भी भटका कर दो ताकि मेरे बंदे की जरूरत पूरी हो। जैसे हुकूमत का कोई आदमी जाता है गाड़ी में, तो सब लोगों की गाड़ियां रोक दी जाती है, तो क्यों गाड़ियां रोक दी गई, सब सड़क बंद कर दी गई, सरकारी आदमी आ रहा, सबके कारोबार ठप हो गए, सबकी गाड़ियां रोक दी गई। तो जैसे दुनियावी सरकार ये करती है, हुकूमत के किसी आदमी की वजह से सबके कारोबार को ठप करवा देती है और होया कि सरकारी आदमी आराम से जाता है, अल्लाह अपने नेक बंदे के खातिर सबका निजाम करता है, कहता है मेरे बंदे की जरूरत पूरी हो। फरमाया ये है नेकी का असर और ये है नेकी का फायदा। वो लोग रास्ता भटक गए। आलिम रब्बानी हजरत तमोहीन उमर अल्लाह बरकतहु के पास देवबंद से काफिला आया। उस जमाने में लोग जब मौका मिलता था बुजुर्गों के पास जाते थे। ये तो आज के जमाने में ये सिलसिला चला है, जिसके मन में जो आया करते, ये मुसलमानों का असल सिस्टम नहीं था। सहाबा हुजूर को पूछ कर करते थे, या रसूल अल्लाह ये करना है करूं, आप फरमाते थे करो तो करें। अब तो ये सिलसिला चला है, जवान के दिल में जो आया वो करे, बूढ़े के दिल में जो आया वो करे, और उसी के नतीजे में पूरा मुआशरा हमारा कितना कितना हो गया। खुदा ने इलेक्शन में नाम लिखवाया है और वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा है, हजरत में खड़ा हो ना बेटा, गांव में दो फिर हो जाए, बैठ जाओ। पूरे गांव में इत्तेफाक रहा कि नहीं रहा, और आज तो एक एक महल में बाप बाप आपके खड़े होते हैं कि मुआशरा इसलिए बिगड़ा कि सब अपनी मर्जी पर चलते हैं। एक जमाना था कि पूरा मुस्लिम समाज बड़ों को पूछे बगैर नहीं चला करते थे, और बड़े लोग देखते थे गांव में इत्तेफाक कैसे रहे, मोहब्बत कैसे रहे। तो देवबंद से एक उलमा का एक वक्त हजरत गंगोही की खिदमत में आया, जो मेरा कजिन था। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ऐसे नेक आदमी थे। एक मरतबा मदरसे के बच्चों को सबक पढ़ा रहे हैं दरख्त के नीचे, और बारिश आ गई, सब बच्चे दौड़ भागे अपने को बचाने के लिए, लेकिन हजरत उस्ताद आलिम रब्बानी हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह अपने बच्चों की जूतियां अपने दामन में लेकर, ये है प्यार और तवाज़ुअ की बात हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। ये लोग आए जुमेरात को मुलाकात की, जुमा को रहे, फरमाया कि हजरत अब जाते हैं देवबंद। हजरत गंगोही ने फरमाया आज मत जाओ, हजरत जाना है मत जाओ, जबरदस्ती की तो हजरत ने फरमाया जाओ। ये लोग रवाना हुए, रवाना क्या हुए, रास्ता भटक गए। हालांकि बार बार आते थे लेकिन देवबंद का रास्ता भूल गए, यदि हूं फिर अब भटकते ही रहे, रास्ता ही न मिले। मीने को दुआओं के साथ सफर करो, मीलों का सफर होता है ऐसा लगता है कि घर से निकलकर मस्जिद तक आए, एहसास नहीं होता। और कभी ऐसा होता है छोटा सफर हो बहुत भारी पड़ जाता है। ये है अल्लाह की मदद की हमको सखरवर की जरूरत है। वो वाक्या जो अल्लाह ताला ने बयान किया है हजरत मूसा का, हजरत खजर अलैहिस्सलाम जब
जब आदमी मंजिल से भटकता है तो थकता है, और मंजिल पर चलता है, सही मंजिल पर चलता है तो नहीं थकता। अकाबिलीन को थकान इसलिए महसूस नहीं होती थी, सही मंजिल पर चल रहे। हजरत मूसा हजरत यूसा को लेकर के चले और सही चल रहे थे, वहां तक थकान नहीं लगी, और जहां ठहरना था उसके आगे रवाना हुए, थोड़े ही चले थे। हजरत मूसा ने फरमाया, भाई मूसा मुझे थकान लग रही है, वजह सफर ही नसब। तब हजरत यूसा ने कहा, मूसा ने कहा, वो मछली लाओ खाना है। हजरत वो मछली को वहां जहां ठहरे थे, मछली जिंदा होकर के वहां चली गई है समंदर में। फरमाया, भाई वही तो हमारी मंजिल थी, हमको थकन इसलिए लगी कि मंजिल से आगे बढ़े। एक आदमी कलाम पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा, सही चलेगा, गरीबों की खबरगिरी करेगा, थकन का एहसास नहीं होगा, और अगर गुनाह करेगा तो आदमी थक जाएगा, मंजिल से हटा है। कुरान पाक की आयत बताती है, हजरत मोहिन अल्लाह के पास से लोग निकले, रास्ते में हजरत के मंशे के खिलाफ चले, रास्ता ही भटक गए, परेशान। अरे बार बार रास्ता देखा था, रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। इतने में एक साहब पेशाब के लिए गए किसी बेड़ी के दरद के पड़ने में, अचानक कोई साहब नजर आए, कहा देवबंद जाना है, यहाँ से जाओ ये रास्ता है, और वो साहब गए। ये वाकया आया गया हो गया एक हफ्ते के बाद या दो हफ्ते के बाद। ये काफिला जब गंगो आया, आते ही हजरत गंगोई ने फरमाया, रास्ता भटक गए थे, हमने कहा था कि आप मत जाओ। फरमाया, मैंने अल्लाह से दुआ फरमाई, यहां कष्ट हो गया मुझे, हजरत खलील को अल्लाह ने भेजा और आपको रास्ता बताया और आपका रास्ता संभालो। ये है अल्लाह के औलिया और अकाबिरी। फरमाया, आदमी बुजुर्गों के मंशे के मुताबिक चलेगा तो इंशाल्लाह सही चलेगा। यहां ऐसा ही हुआ, वजह से इन्होंने अपने सुखिए को भेजा, पानी खाने वाले को भेजा, अगला दलवा उसने डोरी लटकाया कुएं, कुएं का पानी खारा था, लेकिन जो ही हजरत यूसुफ कुएं में गिरे हैं, कुएं का पानी मीठा हो गया। सोहबत का असर होता है, सोहबत का असर यहां तक कि कुएं का खारा पानी मीठा हो गया। अगला दलवा इन्होंने अपना डोरी लटकाया और बाहर निकाला। हजरत यूसुफ को अल्लाह ने जबरदस्त जवाब दिया था, आप अलैहिस्सलाम जब मेराज पर है, आपने फरमाया कि मुलाकात मेरे भाई यूसुफ से हुई, आधा हुस्न दुनिया को दिया गया है तो आधा मेरे भाई यूसुफ को दिया गया है। जहां तक हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था, उनको अलग है, उनको छोड़ दो, अल्लाह के रसूल का मामला तो सबसे ज्यादा हुस्न जमाल का है। एक मरतबा हजरत आयशा नबी अल्लाह तआला ने फरमाया, जी मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा था, उंगलियां काटती थी, मेरे महबूब को देख लेती तो कलेजा काटती। ये हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमाल का तस्करा करते हुए फरमाया, वअहसनु मिनक लम तरा कत्त अयन वअजमलु मिनक लम तलिद निसा खुलिक्त मुबर्रअन मिन कुल्लि अयब कअन्नक खुलिक्त कमा तशा। नबी जी आपसे बढ़कर दुनिया में तो हसीब और जमील दुनिया में नहीं आया, आप जो तरीका लेकर के आए वो भी हसीब और जमील बनाने वाला तरीका है जी। फरमाया, हाय खुशखबरी, ये तो खूबसूरत बच्चा है, और इसको वालिद जान समझ कर छुपा लिया। रोजाना यहूदा अब हजरत यूसुफ तीन दिन तक कुएं में रहे, उसके बाद काफिला आया, विचार खाएंगे क्या, वो तो अल्लाह पाक इंतजाम करता है। यहूदा के दिल में अल्लाह ने डाला, मैं शर्म नहीं आती, भाई छोटा है, अल्लाह चाहे तो आसमान से उनको सुनवा उतार सकता था, लेकिन अल्लाह अपनी कुदरत को बताना चाहते हैं, नादानो तुम मेरे यूसुफ को कत्ल करने के चक्कर में हो, मैं ही तुम्हारे दिल में आता, तुम ही खाना देने पर मजबूर होंगे जी। जैसे अल्लाह के रसूल बारे सौर में गए तो कार्य सौर में हिफाजत के लिए अल्लाह पाक जिब्राइल को भेज सकता था, एक पल मांगते तो सारी मक्का की कौम तबाह हो जाती, लेकिन आपने हुजूर की हिफाजत के लिए
जिब्राइल अमीन को नहीं भेजा, मकड़ी का जाला तलवाया, ये तलवाया मकड़ी का जाला और कबूतरी ने अर्ज की और कहा कि नादानों, तुम मेरे महबूब को खत्म करना चाहते हो, मैं जब हिफाजत करने पर आता हूँ कमजोर से कमजोर मखलूक के लिए से इबादत करता हूँ, जिब्राइल को भेज कर तो मैं कर ही सकता हूँ लेकिन मैं मकड़ी के जाले से इबादत करने पर काबिल हूँ, ये अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत बताई। और फिरौन को कहा तू मूसा के पीछे पड़ा है, तुझे जिल्लत की बहुत दुखता, डूब किया लगवा लगवा करके मांगता, औलमा ने लिखा है डूब करके मरना ये बहुत लाचारी की मौत होती है, लाचारी की मौत होती है, तू कहता था आना रब्बुकुम आला, यह है अल्लाह की कुदरत, अल्लाह हम सब की हाँ उसके आजाब से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो रोजाना यह खुदा कर देता था भाई और ऊपर से रस्सी के जरिए से भाई को खाना देता था। तीन दिन के बाद देखा कि यूसुफ नहीं है, अपने भाइयों को आकर कहा तो भाई नहीं है, मेरी कहा कि रोजाना खाना देने जाता हूं, मैं देखने गया तो देखा कि यूसुफ तो नहीं है। उधर जो काफले पड़े थे उनसे ताकी, काफले वालों में से किसी साहब के पास से हजरत यूसुफ मिले, छुपा लिया, इनके लिए ये थी कि हम इनको मिस्र की मार्केट में बेचेंगे जी, और उस जमाने में गुलाम बेचे जाते थे, छुपा लिया, कोई काफले वाले शरीक हम सब भाई आए तो यूसुफ मिले, पहले से हजरत यूसुफ को यहूदा ने दे दिया कि यू कहना कि मैं इनका गुलाम हूं मैंने भाइयों को, ताकि भाई आपको न छुए, वो आपको बेचना चाहते हैं, बेच देंगे आपको, चूंकि उनका मशवरा हुआ था तो यहूदा ने आकर चुपके चुपके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहे, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा इन लोगों का मैं गुलाम हूँ, वो अगर बेच देते हैं तो कोई बात नहीं, तो 12 दिरहम इतने भाई थे कुल 12, उनके अलावा क्या 11 दिरहम में बेच दिया, कोई पड़ी नहीं थी, असल तो ये था कि यूसुफ यहाँ से दूर हो जाए, और हकीकत ये है कि ये भी हजरत यूसुफ को सजा दी थी। एक मरतबा हजरत यूसुफ ने क्या है और आईना नजर आया तो हजरत यूसुफ ने आईने में नजर डाली, कहा वाह मैं कैसा हसीन हूँ, कोई माई का लाल मुझे नहीं खरीद सकता, अपने हुस्न पर नजर चली गई, कुछ बहाया खुद पसंदी आई, और अल्लाह ताला जो नबी बनने वाला होता है मामूली गलती कर ली अल्लाह होता है, अल्लाह ताला ने 11 दिरहम में बिकवाए, ये कहते हो कोई नहीं खरीद सकता, तुम तो लाखों में नहीं सिर्फ चंद रुपये में बिके जाओ, ये अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को जुमले की सजा दी। पता चला कोई भी जुमला सोच समझ कर बोलना चाहिए, वरना जुमला भी आदमी का पीछा करता है, जुमला भी आदमी का पीछा करता है, कमर का जुमला होगा अल्लाह को अच्छा नहीं लगेगा, तवाज़ो का जुमला होगा अल्लाह का तवाज़ो बहुत पसंद है, कासिम नानोत्वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल्लाह के खजाने में सब कुछ है आजीज़ी में, वहाँ तो बड़ा ही बड़ा है अल्लाह के वहाँ आजीज़ी में, कोई आदमी बहुत छोटा बन करके रहता है अल्लाह ताला उसको बड़े से बड़े मकाम तक पहुंचाते हैं, किसी हुकूमत में कोई माल तैयार ना होता हो बाहर से लाया जाए उसकी उस माल की कीमत ज़्यादा होती है, तो अल्लाह के वहाँ पर किबरियाई के लिए आई है, घमंड ही घमंड है, अल्लाह तो बड़ा है वहाँ आजीज़ी नहीं है, इसलिए अगर कोई बंदा आजीज़ी करता है ये बंदा अल्लाह को बहुत पसंद आता है जी। और इनको बेच दिया चल गिने चुने दिरहम, वकालो फीही मिन अस्साहिदी, भाई लोग यूसुफ के बारे में बेरहमती करने वाले थे, कोई पड़ी नहीं थी भाई यूसुफ, वकाल अल्लज़ी मिस्र, लेकिन अल्लाह ताला कहाँ पहुंचाते हैं मुस्तकबिल में, अल्लाह ताला हजरत यूसुफ को वक्त का बादशाह बनाना चाहते थे, अब देखो मिस्र में जाकर के मिस्र की मार्केट में उनको बेचा जा रहा है, तो इस आदमी ने कहा उनको वो खरीदे पड़े हसीन और जमीन थे जो इतना सोना थे इतना चांदी थे इतना मुश्किल थे, किसी माई के लाल की ताकत नहीं थी, ये तो हमारे बस की बात नहीं है, तो फिर अजीज मिस्र आया, मिस्र का वजीर आजम
ढांचा बड़ा खूबसूरत है। ये अल्लाह का निजाम चला रहा है, बादशाह के घर में जाओ ताकि हुकूमत चलाते देखते देखते तुम हुकूमत चलाते सीखो। तुमको कल हुकूमत पर बिठाना है, किसान के घर में जाओगे तो तुम हुकूमत क्या चलाओगे, ताजिर के घर में जाओगे तुम हुकूमत क्या चलाओगे। ये अल्लाह का निजाम है, जिसको मुस्तकबिल में जहां तक पहुंचाना है उसी लाइन के अस्बाब अल्लाह ताला मुहैया फरमाते हैं जी। और यूसुफ का प्यार दिखाने के लिए उस अलीफ मिसर को अल्लाह ने औलाद दे दी। अल्लाह का पैगाम हिम्मत से खाली नहीं होता। अब यूसुफ जैसा जमील एक इंसान घर में आया, अभी ये मिसर ने अपने घर वालों को कहा बच्चा बड़ा हसीन और जमील है, मुस्तकबिल में काम आवे ऐसा बच्चा है, ऐसा करो हम मुस्तकबिल में इसको अपना बच्चा बना देंगे, काम आएगा जी। وقال الذي اشتراه من مصر और कहा उस आदमी ने जिसने उनको खरीदा मिस्र में अपनी बीवी से, इनको अच्छी तरह रखना, अकरीबी मसवा अच्छी तरह रखना, असा अल्फाना बहुत मुमकिन है कि ये बच्चा हमें मुस्तकबिल में नफा देगा या हम उसको अपना बच्चा बना लेंगे। देखो एक तो कुदरती रिश्तेदारी कुदरत ने बनाई, भाई भाई हकीकी भाई, जाहिरी बात है कि वालिदा को सब बच्चों से कोई पर्दा नहीं है, हकीकी बच्चे हैं। और अगर किसी बच्चे को नेपालक बनाया, खोड़े नहीं दो मुतबंदा बनाया मुतबंदा, तो हकीकी बेटा नहीं होगा। हकीकी बेटा तो वो है जो अल्लाह बनाया। अब तुमने नेपालक बनाया है तो अब इससे पर्दा करना पड़ेगा, भले काम करें। और अगर पर्दा नहीं करवाना तो बचपन से लो, और जरा तुम्हें तो औलाद नहीं है कोई, तो जरा तुम अपनी किसी बहन की छाती से दूध पिला दो ताकि वो बच्चे की वो रजाई माँ हो जाए और तुम रजाई खाला हो जाओ, और खाला से पर्दा नहीं होता। ये कर सकते हो, ये तकदीर करो, वरना अगर ये नहीं करोगे तो भले तुमने उसको खोले लिया है लेकिन बड़ा हो गया उसे पर्दा करना पड़ेगा। नई बात है कि ये असली नहीं है, इसलिए असली रिश्तेदारी अल्लाह ने बनाई है उसका खूब ख्याल रखने की जरूरत है जी। कहां उस आदमी ने जिसने उनको खरीदा था मिस्र में अपनी बीवी से, उनको अच्छी तरह रखा, हो सकता है कि आपको नफा पहुंचाए या उसको अपना बच्चा बता दे। अल्लाह ताला औलाद दे, इनकी तरबियत करो तभी काम आएगा। तरबियत नहीं करोगे यही औलाद कल मुस्तकबिल में गलत रास्ते पर जाकर हमें तबाह और बर्बाद कर जाएगा। औलाद का मिलना सुकून का जरिया नहीं है, नेक औलाद का मिलना सुकून का जरिया है। हमारी बात अधूरी निकली है, दीन में कामयाबी है, पूरे दीन में कामयाबी है, पूरी बात करो जी। आलिम बन रहा है ये बच्चो, आलिम रब्बानी बन रहा, पूरी बात करो जी, तब जाकर के आपकी मंजिल तक पहुंचेगा, वरना आलिम बना काम हो गया नहीं, मुझे आलिम मेरा पानी बन रहा है, मुझे अल्लाह को पाना है, तब जाकर के मंजिल मिला करती है। और जैसे हाफिज हाफिज बन गया छुट्टी हो गई, माँ बाप भी कहते हैं कि हाफिज बन गया छुट्टी हो गई, हाफिज बनाने से छुट्टी नहीं है। फरमाया मन अलाहों का पुराने पाक में है, जिसने पुराने पाक को अपने सीने में लिया वो अमीर आई और उस पर अमल चला। ये चौधरी का ताज पहनाने की जो बात है वो उस वक्त है कि अपने बच्चे को हाफिज बनाकर उसकी तरबियत भी की, तब जाकर के, वरना हाफिज बच्चा बुरा पर मुबतला हो गया उसकी वजह से क्या माँ बाप को बात पहनाया जाएगा। हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब नूर अल्लाह तआला ने बाकायदा इसको लिखा है, हाफिज बनने के बाद उसकी तरबियत की। इसीलिए हमारे अकादमी मुतमईन नहीं रहे तरबियत की। मौलाना आसिफ मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी के बड़े भाई छोटे, एक मरतबा उनके वालिद शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह आसाम के सफर पर जा रहे थे, तो अपने खादिम को कहा मैं जा रहा हूं आसाम, असद की खबर रख, असद कहीं जाएगा हो कहीं चला ना जाए खेलने वगैरह के लिए। हाँ ठीक है हजरत, हजरत पर रवाना हो गए, इत्तेफाक ट्रेन नहीं मिली या कोई वाक्या बना, हजरत मदनी वापस आए, असद ने मौलाना असद मदनी साहब
उनको असत्य असत का यही तलाश करो कहा नहीं मिला, मिले तो मिले देवगढ़ के किसी कोने पर टिकट ले हजरत मदनी के पास पकड़ कर लाया गया। हजरत मदनी ने पिटाई की और कहा कि असद दुनिया में खेलने आया है, तेरे बाप की तमन्ना है कि किसी मकाम तक पहुंचे। मौलाना असद मदनी ने फरमाया कि मेरे वालिद माजिद की तरबियत ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। आखिर में फरमाते थे अल्हम्दुलिल्लाह दिन में 3000 मरतबा जिक्र कभी करता, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये बाप की तरबियत का नतीजा होता है। हमने खुद देखा है दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म पर हजरत आसिफ मदनी साहब वहाँ गश्त लगा रहे थे, फरमाया और वहाँ अल्लाह का फिक्र भी चल रहा था, फरमाया ये बाप की तरबियत के नतीजे में ये चीज़ें हुई। और आज बच्चों को ऐसे जायका दिया मुना में हजरत मौला अब्दुल रहमान साहब से गुजरा, एक मरतबा गाड़ी से जा रहे मदरसे के बच्चे वहाँ खेल रहे थे, गाँव में क्रिकेट खेल रहे थे, और अब्दुल रहमान साहब ने ड्राइवर को कहा गाड़ी हो बच्चों को बुलाया, जाओ बेटा हम दुनिया में खेलने नहीं आए, काम करने के लिए आए हैं बेटा, जैसा काम का जज्बा लेकर के चलोगे आगे बढ़ोगे, ये देखकर गाड़ी हवा लगा। कभी कभी बड़ों की बात में ज़बरदस्त नसीहत होती है, फरमाया ये है बच्चे की तरबियत, बच्चे की तरबियत हो तरबियत से ही बच्चा बनता है। जी वशरह भी समझ और ताज आदमी के जिसने उनको खलीला मिसरा में अपनी बीवी से उनको अच्छी तरह रखा, हो सकता है कि हमको नफा पहुँचा है या हम उनको अपना बच्चा लगा दें। मैंने नहीं कहा कभी किसी को कोई चीज़ देनी हो तो 10 साल पहले अल्लाह उसका निजाम चला दें। यहाँ यूसुफ को इज्जत देनी थी, अभी जो मिसर के घर में पहले से औलाद नहीं थी, औलाद क्यों नहीं थी, अल्लाह को पता था औलाद होगी तो यूसुफ की कदर नहीं रहेगी, औलाद मत दो ताकि यूसुफ को देख कर उनका प्यार बढ़ जाए। ये है अल्लाह का मुबारक वकदा मक्कना यूसुफ, इसी तरह हमने यूसुफ को ठिकाना दिया। क्या बात है अल्लाह की, जैसे पहलवान कहता उसको हमने पिछाड़ा, उसको हमने पिछाड़ा, हमें आज का वाकया बयान करके हमारा रब ये कहता है हमने इनको तितर बितर किया है, हमने इनको मारा है, फिरौन को मैंने भिगोया है। अल्लाह अपनी कुदरत को बयान करता है, इसी कुदरत पर जाकर के आज सजदे में जाकर कहना चाहिए हमारे रब्बा तेरी कुदरत फिरौन पर जाहिर हुई है, तूने फिरौन को मारा है, मुझे मत मारना, गलती हो जाए तो माफ कर देना। हजरत मौलाना अली मियां साहब फरमाते थे, हमारे उस्ताद मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी वो बस मेरे कुरान का कुरान पढ़ाते थे और अल्लाह की कुदरत और अज़ाब के वाकया करते थे, चीख मार लिया करते थे, हिचकिया मारते हुए कुरान की तफसीर पढ़ाते थे। और मौलाना सज्जाद साहब फरमाते हैं हमारे उस्ताद मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह जब अल्लाह की अज़ाब की आयतों पर पहुँच जाते थे हिचकिया निकल जाती थी, और हिचकिया लेते हुए वो अली मियां साहब पढ़ाते थे उसी आखिर सज्जाद फरमाने में मौलाना सज्जाद फरमाने में फरमाया कुरान तो ये है, कुरान पढ़ते इसलिए कहते कुरान को समझो, कुरान को समझो जी या अल्लज़ीन आमनू अकीमुस्सलाह, ए ईमान वालों नमाज का एहतमाम करो। कुरान पढ़ते पढ़ते साहिबे दिल आदमी उस तक पहुँचा, कुरान की तरफ रख दिया, मेरे रब मैं कुरान पढ़ रहा था और तूने ये कहा कि नमाज का एहतमाम करो, मैं मेरे माँ की बात को नहीं टालता, मैं मेरे बाप की बात को नहीं टालता, तू तो मेरा शरीक परवरदिगार है, मेरा कलेजा तूने बनाया है, मेरा दिल तूने बनाया है, मेरे खून के कतरात तूने बनाए हैं, रब्बा मैं आपके हुक्म को क्यों टालूं, तू मुझे तौफीक दे दे मैं हमेशा तेरे साथ मुतवज्जे रहूं। ये है कुरान पढ़ने का तर्क, हुजूर रहमत की आयतों पर घंटों रहमत मांगा करते थे और अज़ाब की आयतों पर घंटों अल्लाह से पना मांगते थे। एक सहाबी फरमाते हैं हमने हुजूर को देखा सजदे में है, अल्लाहुम्म इन्नी औज़ु बिका मिन सख़ति व मिन मुआफ़ाति व मिन उक़ूबति, और पूरी रात गुज़र गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमें भी कुरान पाक को हकीकत के साथ समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और कुरान का इश्क